स्वागत है तुम्हारा सर्वाइवल सीरीज में। एंड 6 महीने हो चुके हैं, कोई भी एपिसोड नहीं आया। पता नहीं क्यों मैं सर्वाइवल सीरीज नहीं खेल रहा, बट आज आ चुका है एपिसोड। एंड आज मैं अपने फायरवर्क्स का जुगाड़ करूंगा। मेरे पास लाइटर है बट फायरवर्क्स नहीं है, सो मैं एक क्रीपर फार्म जिससे मेरे को गन पाउडर मिल सके, और एक बनाऊंगा मैं शुगर कैन फार्म ताकि उनसे मेरे को इजिली वो रिसोर्सेज मिल सके जिनसे मैं फायरवर्क्स रॉकेट बना सकूं। नाउ 6 महीने हो चुके हैं और वीडियो क्यों नहीं आ रहा, ये तुम्हें पता होगा क्योंकि मैं खेल नहीं रहा सर्वाइवल सीरीज। एंड नाउ ये रही अपनी चेस्ट है, इनमें देख रहे होगे कि कोबल स्टोन है मेरे पास। बट क्यों इतना सारा कोबल स्टोन क्यों है मेरे पास? अब तुम भी सोच रहे होगे कि इतनी सारी चेस्ट भर के मैंने कोबल स्टोन क्यों कलेक्ट कर रखा है। बिकॉज इस पहाड़ को मैं रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ से कलेक्ट कर रहा हूँ कोबल स्टोन, और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा बिल्ड बनाऊंगा। सो उसके लिए रेडी रहना, तो सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर देना। एंड मैं यहाँ से जितना भी कोबल स्टोन है वो निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को जरूरत है कोबल स्टोन की फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए भी और अभी भी। सो यहाँ से निकल जाता है इजीली जितना चाहिए मेरे को। ये क्रीपर पीछे है मेरे, हाँ, तो इसी से मेरे को गन पाउडर निकालना है और इसी का फॉर्म बनाऊंगा मैं फर्स्ट, जिसके लिए यहाँ से कोबल स्टोन बड़ा इजीली मिल गया मेरे को। ये फट गया, ऐसे कमज़ोर है मेरी शॉर्ट, तो मरते नहीं है जल्दी से। फार्म्स का डिज़ाइन तो सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा क्रिटिकल फार्म नहीं है। सो नाइट होने वाली है, सो मैं सो के देखता हूँ नाइट है नहीं है, थंडर स्टॉर्म होगा तभी सो पाएंगे। एंड नाउ मैं तुम बता दूंगी इजीली कर सकता हूँ मैं जो करना है मेरे को। मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं है, सो वो भी कलेक्ट करनी पड़ेगी मेरे को। बहुत सारी वुड भी चाहिए, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें चाहिए। वुड का ज़्यादा यूज़ है और प्लस में कोबल स्टोन, तो इतना है कि कमी भी नहीं होगी मेरे पास, एक भी कोबल स्टोन की एक्स्ट्रा ही चला जाएगा, मैं ऐसे ही बहा दूंगा पानी में, इतना कोबल स्टोन है मेरे पास अभी भी। कोबल स्टोन तो चाहे कितना भी हो मेरे पास, बट एक चीज़ नहीं है, वो है मेरी चेस्ट प्लेट। मैंने अपनी चेस्ट प्लेट लॉस्ट कर दी, पता नहीं कहाँ, बट मेरे पास एक डायमंड की चेस्ट प्लेट है, वो मैं फाइंड कर लूँ। सो ये रही, इस पर कर्स ऑफ बैनिशिंग लगा है, ये होता है ना, ये नीचे है मेरे को, ये बहुत ख़राब होता है, इससे अपनी चेस्ट प्लेट लॉस्ट हो सकती है, पहन लिया तो या चिपक जाएगी, उनमें से कोई वाला कर्स है ये। सो इसको मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, सो ग्राइंडर वगैरह बनाना पड़ेगा, उसमें इसको रिमूव करके इस पर फिर से एन्चेंटमेंट लगा दूंगा और इसको नेदराइट में कन्वर्ट कर दूंगा, जिससे ये चेस्ट प्लेट अपनी इजीली नेदराइट में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत दिन हो गए मेरे को यहाँ आए हुए, मेरे को सबसे बेस्ट बिल्ड ये लगता है और मेरा स्टेच्यू, क्योंकि इनको बनाने में मैंने अपना दिमाग बहुत खपाया था। ये देखो यहाँ पे डाल दो कोबल स्टोन, क्योंकि मेरे को ग्राइंड स्टोन बनाना पड़ेगा, है नहीं है मेरे पास। यहाँ से डायमंड और अपग्रेडिंग टेम्पलेट को निकाल लिया मैंने, और ये थोड़े बहुत टेम्पलेट और पड़े हैं मेरे पास, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को, टेक्सचर वगैरह नहीं दे रहा मैं अभी अपने आर्मर पे, क्योंकि इतने नहीं है मेरे पास डायमंड से इनफ क्वान्टिटी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि ये लॉस्ट ना हो मेरे से, क्योंकि डुप्लीकेट ज़रूरी है। इसको डुप्लीकेट कर लूँगा तो फ़ायदे में रहूँगा। एक के हो गए दो, एक के दो कर दिए मैंने, फाइनली ये वाली वस्तु बन चुकी है, इसी की तो ज़रूरत थी मेरे को। इसको यहाँ मैं लगा देता हूँ कुछ यूँ, और इससे अपनी सारी एन्चेंटमेंट है वो रिमूव कर लेता हूँ ताकि अपनी चेस्ट प्लेट सेफ हो सके। यस, सो हो चुकी है अपनी चेस्ट प्लेट सेफ, एंड नाउ सब कुछ है मेरे पास, इसको अपग्रेड करेंगे हम। चेस्ट प्लेट न्यू हुई, अपग्रेड नहीं करूँगा मैं इसको, न्यू ही बना लूँगा, इससे अच्छा तो नहीं हटी, पता नहीं क्यों बट नहीं हटी ये। चेस्ट प्लेट का तो देख लूँगा, इतने डायमंड है मेरे पास कि मैं उसको अपग्रेड कर सकता हूँ। वेल सो अब अपने बिल्ड की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैं बनाऊँगा अपना क्रीपर फार्म, और उसके लिए मेरे को बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए जिनमें से बिल्डिंग ब्लॉक्स तो है मेरे पास, और बाकी के मटेरियल लाइक चेस्ट, होपर, ट्रैप डोर, बटन्स, लैडर, स्टेयर टू वाटर बकेट एंड कैंप फायर, इतने सारे आइटम मैं कलेक्ट करके मिलता हूँ तुमसे। एंड नाउ इंजॉय ए टाइम लैप्स। सब कुछ कलेक्ट कर लिया है, और सबसे रेयर आइटम
मिल चुका है मेरे को, ये देखो पिंक सीप, ये नेचुरल स्पॉन्ड है, देखो मिल गए मेरे को नेचुरल स्पॉन्ड पिंक सीप। यस, तो इसको टेम कर लेता हूँ और लीड कर देता हूँ ताकि ये डी स्पॉन ना हो। वेल, अपने हाथ में मैं रखता हूँ वीट ताकि ये मेरे पीछे रहे और डी स्पॉन ना हो। मैंने लीड रखी थी यही कहीं पे इस वाली चेस्ट में, उन चेस्टों में तो नहीं है, इस वाली में भी नहीं है और इसमें यस टू है। चलो इनफ इतनी तो इससे अपना काम हो जाएगा। यसो कहाँ पे है सीप, ये रही पानी में चली गई, इसको क्लोज करो, जानी नहीं चाहिए। लिखा वीट और हार्ट निकल गए और लग गई इसको लीस। ये हमेशा के लिए यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है, अब ये डी स्पॉन नहीं होगी। सो एक रेयर आइटम अपने पास आ चुका है। वेल, मेरे पास 9 गन पाउडर थे जिससे मैंने बना लिए फायरवर्क्स ताकि मैं ओशन को फाइंड कर सकूँ। मेरे को पता है इस साइड ओशन है, सो अपना फार्म ओशन में बनेगा। सो लेट्स सर्च इट। सो फाइनली यहाँ पे सारा आइटम शिफ्ट कर दिया है जितना भी मेरे को चाहिए था अपने फार्म के लिए। सो वेल, अब हम लग जाते हैं अपने फार्म को बनाने के लिए, जो इजी नहीं है बट हार्ड भी नहीं है। सो तुम्हारा भाई कर देगा। 130 ब्लॉक ऊपर जाना है मेरे को और वहाँ पे अपने फार्म को बनाना है। सो लेट्स मेक इट। तो अपना फार्म बन चुका है और अच्छे से काम भी कर रहा है। उसने अभी 3 ही गन पाउडर प्रोड्यूस किए हैं, मैं वो लेके आ चुका हूँ और अच्छे से काम कर रहा है अपना फार्म। एंड नाउ मेरे को अपना शुगर केन फार्म बनाना है, वो भी ऑटोमेटिक। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, छोटा बनाऊंगा और एफिशिएंट फार्म बनाऊंगा पास में ताकि वो रेगुलर वर्क करता रहे और मेरे पास शुगर केन की कमी ना हो। वेल, तो अपने पास सारे आइटम हैं जो चाहिए मेरे अपने शुगर केन फार्म के लिए। पिस्टन, चेस्ट, होपर, वाटर बकेट, शुगर केन और बिल्डिंग ब्लॉक में अपने स्टोन ब्रिक्स और अपना जो ग्लास है उनके लिए मैं स्मेल्टिंग का यूज़ करके थोड़ा बहुत ग्लास निकालूंगा। वैसे भी पड़े हैं मेरे पास 64 के समथिंग ग्लास नहीं है, जो ये ज़्यादा अमाउंट नहीं है और बाकी सब कुछ है अपने पास। सो वेल, अब ऑब्जर्वर नहीं है सो उनके लिए मैं थोड़े से स्क्वाड्स लेके आता हूँ और बना लेते हैं अपने ऑब्जर्वर। नाउ मटेरियल वगैरह तो कलेक्ट कर लिया है, सिंगल मटेरियल जो कि मेरे को चाहिए था अपने फार्म के लिए। सो लग जाते अपने फार्म को बनाने के लिए। छोटा सा डिज़ाइन है जो हर कोई बना सकता है, सो सिंपल सा डिज़ाइन है। सो मैं ये बना के मिलता हूँ तुमसे। एंड नाउ एंजॉय। We'll be right back.
नाउ अपना शुगर कैन फार्म बनके कंप्लीट हो चुका है और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, सो अपने को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक मिलेगा। एंड उस फार्म से तो काफ़ी अच्छा था क्योंकि उस फार्म को बनाने में सर खप गया, पता नहीं कितना बड़ा फार्म था वो, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग फार्म था, इसमें इतना नहीं लगा। सो ये तो फार्म मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड नाउ सो मैं वीडियो ये एंड कर रहा हूँ और तुम सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक भी कर देना फॉर दिस फार्म, एंड कमेंट में बताना कि आज का वीडियो तुम्हें कैसा लगा। एंड नाउ बाय, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।